सिंध के नवाब के दो बेटियां बूबना और मोमना। मोमना बड़ी, बूबना छोटी। मोमना सीधी सादी, जनाने में रहे, सीना पिरो ना करे। बूबना तेज और चंचल, रूप का भंडार, गुणों की खान। जिस रास्ते निकल जाए अंधेरे में भी उजाला फैल जाए। वो हंसती तो ऐसा लगता जैसे फूल खिल गए हैं, चलती तो उसके कंकुवर्णी पैरों की छाप जमीन पर रह जाती। नवाब ने मोमना को उसकी शादी के लिए पूछा, उसने मना कर दिया। अब्बा जान, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, सारी जिंदगी आपके कदमों में ही गुजारूंगी। नवाब को अब बूबना के लिए वर तलाश करने की फिक्र लगी। अपनी बेगम अपने साथियों रिश्तेदारों से कहता, बूबना मेरी लाडली बेटी है, बड़े नाज नखरों से पाला है। औरत में जो 32 गुण होने चाहिए वो सब उसमें हैं। कोई तो बताओ उसके लायक वर कहाँ है। लोगों ने आसपास के नवाब, शहजादे, वजीरों के बेटों के नाम बताए, उनके गुण गिनाए, उनकी मिल्कियत की खबर दी, लेकिन नवाब को कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। सारे बूबना से नीचे ही पड़े। समझदार आदमियों को बुला बूबना का चित्र दे, उनको हुक्म दिया, देश जाओ, परदेश जाओ, समुद्र पार करो, रेगिस्तान में घूमो, एक एक राज्य छान मारो, बूबना की जोड़ी का वर ढूंढो। बूबना हूर है, उसका वर भी वैसा ही छेला होना चाहिए। मन मुआफिक जब तक वर नहीं मिले वापस लौट कर मत आना। नवाब के आदमी देश देशांतर फिरते फिरते थटा भकर जा पहुंचे। वहां के बादशाह मृगत मायची की बहन के बेटे जलाल को उन्होंने देखा। आपस में सलाह मशविरा किया, आधी दुनिया घूमी लेकिन ऐसा जवान कहीं नजर नहीं आया। बूबना की जोड़ में कोई बैठता है तो जलाल। चुपचाप अकेले में जलाल को बूबना की तस्वीर बताई। तस्वीर देखते ही जलाल बूबना पर लट्टू हो गया। जलाल को लगा जैसे बूबना को खुदा ने उसी के लिए ही सिरजा है। जलाल ने बूबना की तस्वीर लेकर अपने पास रख ली। नवाब के आदमी वापस सिंध लौटे, जाकर अर्ज किया, हुजूर आपके मन के मुआफिक वर देख कर आए हैं। खुदा ने जलाल को बूबना के लिए ही सिरजा है, आधी दुनिया देख डाली लेकिन ऐसा खूबसूरत जवां मर्द हमें दूसरा कोई नजर नहीं आया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, दो बालिश्त की गर्दन, पूरे 5 हाथ लंबा, घुटनों तक लंबे लंबे हाथ चलता है तो जमीन धूजने लग जाती है। शस्त्र विद्या का प्रवीण, तलवारों का जानकार, एक एक तलवार की अलग अलग किस्म बता दे। संगीत विद्या का पूरा प्रेमी, 36 राग रागिनी की उसे पूरी समझ, चोटी के कलावंत उसके दरबार में नौकर, घोड़ों की जात और चाल का उसे पूरा ज्ञान, रत्नों का पारखी, नवरत्नों का अलग अलग भेद और मोल बता दे, कविता का मर्मज्ञ, कवियों को लाखों का इनाम देने वाला, चित्रकला का पूरा प्रेमी, काच दृढ़ा कर बरसना, मन चंगा मुख मिठ, रणसूरा जग वल्लभा, सोहम बिरला दिठ, चरित्रवान, दानी, साफ दिल वाला, मीठा बोलने वाला, रण में जीतने वाला, लोगों का प्यारा। ऐसे गुण वाले आदमी बहुत कम मिलते हैं और जलाल में ये सारे गुण हैं। ये सब जानकर नवाब बहुत खुश हुआ और जब जलाल की तस्वीर देखी तो वाह वाह करने लगा। नवाब ने बूबना के पास तस्वीर भेजी। बूबना भी तस्वीर देखकर उस पर न्योछावर हो गई। नवाब ने काजी को बुलाया और उसे रवाना कर दिया। बोला, जलाल मियाँ से बूबना की शादी तय कराओ। काजी थटा भकर पहुँचा, बादशाह मृगत मायची से जलाल की शादी के लिए अर्ज कराई। मृगत मायची ने बूबना की तस्वीर देखी तो उसका भी मन फिसल गया। काजी जी, बूबना से हम शादी करेंगे। काजी घबराया, ये खूब रही, 60 साल का बूढ़ा, मुंह में एक दांत नहीं, कब्र में पाँव लटक रहे हैं और बूबना से शादी करना चाहता है। काजी ने सलाम कर हाथ जोड़ अर्ज की, आलीजा के हुक्म से इनकार तो नहीं है लेकिन बूबना पूरी हूर है, जलाल मियाँ भरपूर जवान, दोनों की जोड़ी बराबर की है। नवाब बोला, हम कौन से कम छेला हैं।
हुजूर हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन उम्र कुछ ज्यादा। नहीं, बुबना से हम ही शादी करेंगे। काजी के तो पसीने छूट गए, बोला, हुजूर बुबना के बड़ी बहन है, चाहे तो उससे निकाह की बात करूं। बादशाह नहीं माना। काजी को बादशाह के वजीरों ने बहुत समझाया, ऊंचा नीचा लिया और 1000 मोहरे देकर अपनी तरफ कर लिया। काजी ने बुबना की शादी बादशाह से और मुमना की जलाल से तय कर दी। जलाल को इस बात का पता लगा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन करे क्या, बादशाह उसका मामा जो ठहरा। थटा भकर से बारात सिंध आई। दूल्हे की पोशाक पहने एक हाथी पर जलाल बैठा और दूसरे हाथी पर बादशाह की जगह उसकी तलवार। नवाब ने बुलाकर काजी से पूछा, जलाल मियाँ का आना तो वाजिब है, लेकिन दूसरे हाथी पर बादशाह की तलवार क्यों? हुजूर, मुमना का निकाह जलाल से होगा और बुबना की शादी बादशाह से। बादशाह सलामत अभी अपनी सल्तनत छोड़कर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह तलवार भेज दी। ये तय हुआ है और यही करना पड़ेगा। नवाब को बहुत गुस्सा आया, नालायक तूने गजब कर दिया। अपने वजीर से कहा, काजी को जूते लगाकर बाहर करो, उसका घर और सामान जब्त कर काला मुंह कर गधे पर बिठा सिंध से बाहर निकाल दो। बुबना को पता लगा कि उसकी शादी बादशाह से हो रही है, जलाल से नहीं, तो तिलमिला उठी। उसने निश्चय कर लिया कि उसके निकाह का दस्तूर भले ही बादशाह से हो, लेकिन अपने मन में तो वो जलाल को ही पति मानेगी। उसने अपनी दासी नेत्रबांदी से कहा, तू अभी जा, जलाल मियाँ को जाकर कह दे कि बुबना उनकी है और उनकी ही रहेगी। उनकी तलवार मांग ला, जिससे निकाह कर मैं उनकी बन जाऊं। बुबना ने जलाल की तलवार के साथ निकाह की रस्म अदा की। निकाह की रस्म अदा करने का समय आया। नवाब ने बड़े दुखी मन से बादशाह की तलवार के पास बुबना को खड़ा किया और मुमना को जलाल के पास। जलाल और बुबना एक दूसरे को देखें और अपने किस्मत को कोसें, लेकिन होनहार को कौन रोक सकता है। बुबना का निकाह बादशाह से हो गया और मुमना का जलाल से। मुमना और बुबना शादी होकर थटा भकर आईं। बुबना बहुत दुखी, बादशाह की बेगम हो गई, लेकिन अंतस में खुशी कहाँ। बुबना के अलग महल, अलग ड्योढ़ी, अलग नौकरानियाँ, सब ठाट बाट, लेकिन बुबना को लगे सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। बादशाह के कई और भी बेगमें। बादशाह बुबना के महल में पहुंचा। बुबना ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। बुबना के मन में तो जलाल बसा हुआ था, यही सोचती रहे कि उससे कैसे मिला जाए। मन मारे, कलेजा दबाए अपने दिन काटे। जलाल भी बहुत उदास, मुमना से बातें करे लेकिन ऊपर के मन से। प्रतिदिन वो बुबना के झरोखे के नीचे श्रृंगार चौक में आकर बैठ जाता, वहां आए हुए दूसरे लोगों से बातें करता, उनके साथ चौपड़ खेलता और सूरज ढले सबके जाने के बाद मन मार कर अपने डेरे चला जाता। इस दौरान हर 5 मिनट बाद वो बुबना के झरोखे की तरफ देखता, शायद उसकी एक झलक पा जाए। मगर बुबना का दीदार उसकी किस्मत में कहाँ। एक दिन बुबना ने नेत्रबांदी से पूछा, जलाल मियाँ को कभी देखा ही नहीं, क्या वो कभी इधर नहीं आते? नेत्रबांदी बोली, वो तो दिन भर आपके झरोखे की तरफ मुंह किए श्रृंगार चौक में बैठे रहते हैं, दिल में एक उम्मीद लगा कर आते हैं और सूरज ढलने पर मुंह उतारे लंबी सांसें छोड़ते चले जाते हैं। उस दिन के बाद बुबना आती जाती, चलती फिरती झरोखे की जाली के पीछे खड़ी हो जाती। उन दोनों की नजरें मिलती, एक दूसरे को देख कर धन्य हो जाते। बुबना अक्सर सोचती, मेरे और जलाल में ये फासला क्यों, आखिर वो मेरा पति है। मन और वचन से मैंने उसे पति मान लिया। निकाह से पहले मैंने उसकी तलवार से शादी कर ली थी। मृगत मायची से मेरा लेना देना ही क्या है। यों पकड़ कर अपने घर में बैठा लेने से कोई पति पत्नी थोड़े ही हो जाते हैं। काम की सारी हुई बुबना ने एक दिन नेत्रबांदी से कहा, तू जलाल को मेरे से मिलने के लिए महल में ले आ। नेत्रबांदी ने मौका देख जलाल से पूछा, जलाल साहब
आप उदास उदास और गुमसुम रहते हो, आखिर बात क्या है? जलाल ने जवाब दिया, बूबना की बांदी होकर तू मेरे से ये सवाल पूछ रही है? नेत्रबांदी ने धीरे से कहा, आप रात को बाग में आ जाना, बूबना के महल में ले चलूंगी। जलाल ने झट अपने महलों में जा स्नान कर पोशाक पहनी और इत्र लगाया। उसे यही इंतजार कि कब शाम ढले, तारे निकले, रात पड़े, एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा। अंधेरा पड़ते ही वो इधर उधर झांकता हुआ डेरे से बाहर निकला। जलाल के दोस्त तना मना ने उसे अकेले बाहर जाते देखा तो पूछा, मियाँ कहाँ जा रहे हो? जलाल बौखला गया, कुछ कहने लगा कि इतने में तना मना बोला, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, और हमें मालूम है कि आप किससे इश्क फरमाने जा रहे हैं, लेकिन जरा सोच समझ कर पैर रखना, कहीं पकड़े गए तो खैर नहीं है। जलाल बाग में पहुंचा, जूही की झाड़ी में छिप कर बैठ गया। उधर नेत्र बांधी चार सहेलियों को ले फूल तोड़ने का बहाना कर बूबना के ड्योढ़ी महल से उतरी। ड्योढ़ी का पहरेदार बूबना के साथ दहेज में आया था, आंखों से अंधा लेकिन उसे ध्यान सब चीज का। पैरों की आवाज सुनते ही बोला, कौन? नेत्र बांदी? हाँ मैं ही हूँ। इस समय कहाँ जा रही हो? बादशाह महलों में पधार रहे हैं, सेज पर बिछाने के लिए फूल लेने जा रही हूँ। ला मेरे हाथ पर हाथ रखती जा, कोई आदमी जनाने में चला न जाए इसलिए पहरेदार हाथ लगाकर आने जाने वालों की परीक्षा कर लेता। पांचों औरतें पहरेदार के हाथ रख अपनी पहचान करवा बाग में पहुंची। जल्दी से जलाल को एक बड़े टोकरे में बैठा, उसको फूलों से छिपा, टोकरा सिर पर उठा, महल की ओर चली। पांचों औरतों ने पहरेदार के हाथ पर हाथ रखा। पहरेदार बोला, ठहरो, इसमें केवल फूल ही नहीं है, और भी कोई चीज है। फूलों का बोझ होता तो तुम्हारे पैर इतने भारी नहीं पड़ते, टोकरा उतारो। नेत्रबांदी बोली, आंखें तो फूटी हैं, क्या हिया भी फूटा है? पहरेदार को गुस्सा आया, मुझे ही झूठा करार दे रही हो, मुझे ही बेवकूफ बना रही हो, टोकरा उतारो और तलाशी दो। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी इसके अगले एपिसोड में।